कांग्रेस नेता की हत्या में हुआ बड़ा खुलासा, तीन अपराधी धरे गए। बताते चले दरभंगा के एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में जो एसआईटी टीम गठित की गई थी, उन्होंने तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें बताते चले एक का जो पिछले वीडियो में हमने दिखाया था, जावेद, जो दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई भाग रहा था, जिसके पास से 1,00,000 रुपया, कई मोबाइल बरामद हुए। वहीं पर जावेद ने अपनी गुनाह को कबूल करते हुए दो आदमी का नाम, फिरोज और छोटू का नाम लिया, जिन्होंने उसे 1,00,000 रुपया दिया था। वहीं बुलेट की जो गाड़ी की चाबी थी वह उन्हीं अपराधियों के पास से निकली। आज दरभंगा के एसडीपीओ अमित कुमार ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी घटना के तकरीबन 72 घंटे के अंदर ही दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जो टेक्निकल टीम थी, जो एसआईटी टीम गठित की हुई थी, और क्या कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे सुनाते हैं। और जो इसके आवेदक थे स्वयं बबन जी की धर्मपत्नी थी। देखिए, सिंधी थाना अंतर्गत सुभन बाईपास में 8 तारीख की सुबह, 8 दिसंबर की सुबह एक लाश पाई जाती है। जांच पड़ताल होती है, शिनाख्त होती है, लोगों द्वारा बताया जाता है कि लाश मरहूम ज़ियाउर रहमान की है, जिन्हें बब्बन के नाम से भी जाना जाता था। उनके वालिद का नाम मोतीउर रहमान है, जो सोहन गांव के निवासी थे। घटना की गंभीरता को और संवेदनशीलता को देखते हुए दरभंगा जिला के एसएसपी महोदय द्वारा तत्काल एसआईटी का गठन किया जाता है, जिसमें सीआई सदर, सीआई कमतौल, एसएचओ सिमरी होते हैं और उसका उसे लीड में कर रहा हूँ। इसके बाद तमाम पहलुओं पर जांच की जाती है। वहाँ 4-5 घंटे हमारी टीम ने समय बिताया, एफएसएल की टीम आई। उस दौरान लोगों की बॉडी लैंग्वेज, लोगों की बातचीत, लोकल इनपुट्स, वहाँ के जो चाय वाले हैं, लोकल लोग हैं, उन लोगों से बातचीत, पूछताछ और अन्य जो अनुसंधान के हमारे तरीके हैं उनको अपनाते हुए सिमरी थाना की टीम के द्वारा टेक्निकल सेल की मदद से और काफ़ी तत्परता दिखाते हुए कल ही दिनांक 9 तारीख को घटना के जस्ट दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर दरभंगा एयरपोर्ट से जो मुख्य अक्यूज है इसका, मोहम्मद जावेद, उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाती है। जावेद से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के क्रम में वो अपने और दो सहयोगियों का नाम बताता है, जिनका नाम है छोटे और फिरोज। ये दोनों भी संयोग बस उसी गांव के निवासी होते हैं। रात में कल इनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या कारण बताया इन्होंने, ये हत्या करने के पीछे का मेन कारण क्या है? पीछे का स्पष्ट कारण है जमीन का लेन, जमीन की खरीद बिक्री संबंधित लेन देन का व्यापार। क्या इन तीनों से ही लेन देन है या इनके कोई और है? इनकी मिली भगत थी मुख्यतः जावेद का, कुछ ऐसे का हिसाब किताब बताया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। बात कैसे बनी, जो अंजाम कैसे दिया घटना को, सर इन लोगों ने कुछ बताया? बिल्कुल बताया है। उनको जावेद ने शाम में बुलाया और आने के बाद उनकी बुलेट जो है, जिस बाइक से वो गए थे लेट जाऊ रहमान, उनकी बाइक भी वहाँ पाई गई। बाइक को भी, बाइक की चाबी भी हमारे जब्ती सूची में है और बाइक से वो गाछी के अंदर लगभग बगीचे में 1 किलोमीटर अंदर लगभग जाते हैं। क्योंकि इन लोगों से पुराना संबंध रहा है, सहयोग रहा है, गांव के रहे हैं, इसलिए बिना किसी संदेह के वो अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद पीछे से उन पर लोहे के रॉड से वार किया जाता है, सर के पीछे हिस्से में गंभीर चोट है, जो मृत्यु का कारण बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आई है। टाइमिंग क्या था हमला करने का, टाइमिंग क्या है, कुछ ये पता चल रहा है? शाम का समय है, 6:30-6:30। सर गिरफ्तार लोगों की आपराधिक रिकॉर्ड भी है कुछ? नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। एक छोटे है जिसका कुछ मारपीट का इतिहास रहा है, उस पर जांच पड़ताल की जा रही है। ये कसाई का काम भी करता है। और कितने लोग की संभावना है, उस पर भी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जमीन का मामला है, लेन देन का मामला है। गिरफ्तार कहाँ से किया गया इन लोगों को? एक तो बताया गया कि दरभंगा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, मुंबई कहाँ जा रहे थे? मुंबई जा रहा था, मुंबई के फ्लाइट टिकट उसके पास है। और दोनों तो बाकी दो गांव से रहा। सर मुख्य आरोपी यही लोग हैं या इनके ऊपर कोई और भी है? देखिए, अभी तक की जांच पड़ताल से तो स्पष्ट हो रहा है कि यही लोग हैं, इतना लोगों ने कर दिया। क्या जिस टाइम घटना घटी थी यही 4 आदमी वहाँ मौजूद लगभग? अभी तक तो ये प्रतीत होता है। पहला कॉल किसने किया था? पहला कॉल जो बुलाने का, जो मतलब जावेद ने किया। कुछ जांच चल रही है, अलग अलग फिगर्स बताए जा रहे हैं, घर वालों के द्वारा भी कुछ बताया गया है और इन लोगों ने कुछ बताया है, उस पर जांच पड़ताल चल रही है। इसमें जो एफआईआर दर्ज हुई है, दर्ज हो चुकी है एफआईआर, किसके वादी कौन है इसमें? वादी मृतक की पत्नी है। मृतक की पत्नी है। इस घटना में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? संभव है, भी और डिटेल्स आने बाकी। सर जिस हथियार